रोहित शर्मा का बड़ा खुलासा, बोले ऑस्ट्रेलिया दौरे से पता था जल्द ही करनी पड़ेगी ओपनिंग। नमस्कार। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले का पहला दिन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। कप्तान कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसे सलामी बल्लेबाज ने सही साबित किया। रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग टेस्ट के पहले दिन भारत को ठोस शुरुआत दी। पहले दिन के खेल खत्म होने कर दोनों के बीच 202 रनों की अटूट साझेदारी हुई। वहीं भारत के लिए पहली बार टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग कर रहे रोहित ने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में शतक लगाया, जबकि सलामी बल्लेबाज मयंक ने 84 रनों की पारी खेली। हालांकि बारिश के कारण पूरे दिन का खेल नहीं हो सका। बीसीसीआई ने पहले दिन के खेल के बाद एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में दोनों सलामी बल्लेबाज दिन के खेल के बाद एक बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाने वाले रोहित अपनी ओपनिंग को लेकर मयंक से बात कर रहे हैं। वहीं इस वीडियो में रोहित ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई सीरीज के दौरान ही इस बात का पता लग गया था कि वो जल्द ही भारत के लिए ओपनिंग करने वाले हैं। उन्होंने कहा, जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तब से मुझे पता था कि मैं कुछ समय बाद बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में खेल सकता हूं। मैं मानसिक रूप से भारत के लिए ओपनिंग करने के लिए तैयार था। वही वेस्ट इंडीज दौरे के बाद टीम मैनेजमेंट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि मैं ओपनिंग करूंगा, इसलिए मेरी तैयारी उस पर आधारित थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं अभ्यास गेम ज्यादा हिट नहीं था, लेकिन इस मुकाबले के लिए मुझे पूरा भरोसा था, इसके लिए मैंने बहुत अभ्यास किया था। बता दें कि रोहित ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करी है। इस मुकाबले में उन्होंने कई कीर्तिमान भी अपने नाम किए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतकीय पारी के बाद रोहित ऐसे पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बतौर सलामी बल्लेबाज शतक लगाया हो।